हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेट चेक करवा लिया था अपने प्रोजेक्ट में, जो हम ईमेल सेंड का प्रोजेक्ट बना रहे थे। इंटरनेट को चेक करवाने के लिए हमने यूआरएल को चेक करवाया था, बेसिकली कि अगर यूआरएल बैकएंड में क्या हो रहा है वहाँ पर, कि यूआरएल अगर कनेक्ट है यानी यूआरएल चल रहा है, यूआरएल खुल रहा है तो रिटर्न करेगा ट्रू। ये सारी प्रोसेस बैकएंड में होती थी, इसके बेसिस पर वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता था। ट्रू होगा तो यानी इंटरनेट से कनेक्ट है, अगर ट्रू नहीं होगा तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है यानी फॉल्स होगा। तो ये वो एक लॉजिक था जो मैंने लगाया था, उसी के बेसिस पर एक मैसेज बॉक्स उस कंडीशन पर खुले, तो ऐसा हमने देखा था। आज हम ईमेल की फंक्शनैलिटी देखेंगे। आज ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो हम अब ईमेल की कोडिंग देखते हैं कि अब हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले ईमेल सेंड की फाइल में मैं कोडिंग करता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ईमेल सेंड में फंक्शन बनाऊँगा। वो फंक्शन कॉल कराऊँगा मेन डॉट पी वाई से, और यहाँ से अगर मैं फंक्शन कॉल करवाऊँगा और डिफाइन में दूसरी फाइल में कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मॉड्यूल में, तो मैं ना मॉड्यूल का यूज करने वाला हूँ, मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, तो जहां पर ये सेंड फंक्शन डिफाइंड है, नहीं पर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा ईमेल डेटा। ठीक है, ईमेल डेटा एक फंक्शन को मैं यहां पर कर रहा हूँ कॉल। अब ये ईमेल डेटा यहां से तो कॉल कर दिया, और डिफाइन करूंगा मैं यहां पर। ठीक है, अभी पास लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर मैं डिफाइन करूंगा। लेकिन इस मेन डॉट पी वाई में जो एक कॉल हुआ है फंक्शन ईमेल डेटा, इसको क्या पता कि इस फाइल में डिफाइंड है फंक्शन। उसके लिए मुझे ईमेल डेटा ईमेल सेंड डॉट पी वाई फाइल को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, जैसे मैं बाकी मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराता हूँ, सेम इसी को ही मैं कराऊंगा इम्पोर्ट। मैं लिखूंगा फ्रॉम ईमेल सेंड, ईमेल सेंड फाइल का नाम है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ईमेल सेंड फाइल का नाम है, उसमें से इम्पोर्ट कर दो सारे फंक्शन। एक ही फंक्शन में बनाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्टार लिख दिया ना, स्टार की जगह मैं फंक्शन का नाम लिख सकता हूँ ईमेल डेटा। ठीक है, वो एक ही बात है, स्टार लिखूँ या वो लिखूँ, तो मैंने स्टार लिख दिया। तो हमने फाइल भी इंपोर्ट करा ली। अब क्या होगा, अब जब ये ईमेल डेटा को देखेगा कहेगा ये इस फाइल में तो है नहीं, तो मॉड्यूल में देखेगा, मॉड्यूल में उसे मिल जाएगा ईमेल सेंड डॉट पी वाई नाम के फाइल में ये फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ से वो कॉल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने वैल्यू भेज दी। अब हाँ, हमें इसको लॉजिक लिखना है, तो उसके लिए हमें तीन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और वो क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहला मॉड्यूल है इंपोर्ट एस एम टी पी आई बी। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल है फ्रॉम ईमेल डॉट साइट ईमेल डॉट माइन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट माइन टेक्स्ट। ठीक है, और एक लास्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करूंगा मैं ईमेल डॉट माइन फ्रॉम ईमेल डॉट माइन डॉट मल्टी पार्ट इम्पोर्ट एम आई एम ई मल्टी पार्ट। ठीक है, तीन हमने मॉड्यूल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया। अब मैं लॉजिक लिखूंगा। सबसे पहले ईमेल यूजर। अब ये ईमेल यूजर क्या है, आप किसी को ईमेल भेजते हो तो एक आपका ईमेल होता है, और आप जिसको ईमेल भेजोगे एक उसका ईमेल होता है, तो आपका जो ईमेल है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, और ईमेल सेंड, ईमेल सेंड ये मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, ईमेल सेंड में उसका ईमेल आएगा जिसको आप भेज रहे हो, तो जिसको आप भेज रहे हो वो तो ईमेल वेयर में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैसेज से हम ईमेल वेयर को यहाँ से पास कर रहे हैं, और ईमेल वेयर में क्या है, जिसको आपको भेजना है ईमेल उसका ईमेल, तो यहाँ ईमेल सेंड में तो हम लिख देंगे ईमेल वेयर। ठीक है, और ईमेल यूजर में आएगा आपका ईमेल। अभी आपका पासवर्ड भी मैं मांगूंगा, क्योंकि आपका ईमेल पासवर्ड चाहिए अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाह रहे हो।
इसलिए वो भी अभी देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने फ्रंट एंड से इनपुट कराया होगा तो ये सब्जेक्ट वेर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक क्या, कोई जादू नहीं है, यहाँ से ही आएगा, पास हो गए अभी सब्जेक्ट वेर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस वाले वेरिएबल में, और यहाँ पर ये साइन हो जाएगा सब्जेक्ट वेर, ठीक है। उसके बाद मैसेज, MIME मल्टी पार्ट, उसके बाद मैसेज फ्रॉम, यानी कौन भेज रहा है, फ्रॉम, इसका एफ कैपिटल होगा। ये सिंटेक्स है, आप ये ध्यान रखिए बस। ईमेल यूजर, यानी ईमेल यूजर भेजने वाला कौन है, ईमेल यूजर यानी आपका ईमेल। मैसेज टू किसको भेजना है, तो भेजना है हमें किसको भेजना, ईमेल सेंड यानी सेंडर मतलब रिसीवर का ईमेल, तो ईमेल सेंड, या ईमेल रिसीवर भी लिख सकते हो वेरिएबल का नाम, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मैसेज का, तो मैसेज इसमें डालेंगे हम सब्जेक्ट। ये बिल्कुल ऐसे लिखना तीनों के जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एस टी और एफ, ठीक है, वरना फिर इश्यू आता है कि ये काम नहीं कर रहा कोड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद मैसेज MESSAGE, मैसेज यानी कंप्लीट पैक कर दिया हमने, करा क्या ना ये आप समझिए। उससे पहले, समझने से पहले आप ये समझिए कि अगर आपको इंटरनेट पे या कहीं भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी ऐसे पोस्ट आती हैं जहाँ पर ईमेल सेंड का पाइथन प्रोग्राम 4 लाइन का आपको दिखाएंगे, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो सेंड तो हो जाएगा ईमेल उस प्रोग्राम से, लेकिन वो आपके स्पाम में आके जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे कोड इंटरनेट पे अवेलेबल जो स्पाम में जाकर, स्पाम वाले सेक्शन में वो मेल जाएगा जो आप पाइथन प्रोग्राम के जरिए भेजोगे, तो वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। स्पाम में वही मैसेज आते हैं जो फ्रॉड होते हैं, ये गूगल की एल्गोरिथम लगी हुई है, तो ऐसा आप करके देख लेना, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरह से, ये एकदम कन्वीनियंट तरीका है और एकदम वेरीफाइड तरीका है कि किस तरह से ईमेल को भेजना चाहिए। कोड थोड़ा सा लिखना मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन को, लेकिन ये एक कंप्लीट ईमेल किस तरह से भेजेंगे, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोड में। आपको एकदम ईमेल की विंडो पे जाके ये मैसेज आपको दिखेगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोड में, तो इस कोड से आप परेशान ना हो ना। जो मैंने मैसेज ये तीनों लिए हैं उसको मैंने कर दिया है पे यहाँ पर, इसका मैसेज, ठीक है। तो उसमें उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, MSG डॉट अटैच, उसमें MIME, इसको मैं सिंगल स्ट्रिंग में लूंगा, MIME टेक्स्ट यानी प्लेन स्ट्रिंग में, जो बिल्कुल मैसेज जो होता है हमारा, इसका क्या मतलब है जो मैंने अभी बोला प्लेन स्ट्रिंग, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कोड आप बिल्कुल समझिए, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो जैसे अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको, अभी आप ना ईमेल लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, मैसेज लिखोगे, मैसेज में आपने कुछ लिखा, रहा इस पे छोड़ा, रहा लिखा, फिर एंटर मारा, रहा लिखा, फिर एक टैब छोड़ा, रहा पर लिखा कुछ, रहा लिखा, रहा लिखा। अब जब सेंड हो ना, तो यूजर जिसको ईमेल जाएगा उसको सेम इसी तरह से इसी फॉर्मेट में मैसेज दिखना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई, यानी जिस तरह से हम भेज रहे हैं यहाँ से एक लाइन छोड़ के इतना सारा स्पेस, तो इसी तरह से वहाँ रिसीव होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है, रिसीव इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे मैं अब कर रहा हूँ ना, वरना ये दिक्कत हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा वरना प्रोग्राम बनाने का। तो इस तरह से कोई मैसेज रिसीव नहीं होना चाहिए, जैसा लिखा वैसा ही मैसेज रिसीव हो, उसके लिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज डॉट एच स्ट्रिंग, ठीक है, सर्वर। अब सर्वर का थोड़ा काम करना है, ये जो हमने ऊपर मॉड्यूल लिया इसको हम
SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लाइब्रेरी, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप BCMCA करते हैं तो इसमें आया होगा, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में शायद पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके आप साइट भी खोलोगे वहाँ पर ये फैसिलिटी देता है, ईमेल को किस तरह से सेंड करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन जैसा आप समझ लीजिए कुछ, तो इस तरह की ये फैसिलिटी है, वही हम करने वाले हैं। तो सर्वर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक SMTP lib.smtplib.smtp सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल एक रूल होते हैं, सेटअप रूल, ये प्रोटोकॉल बस और कुछ नहीं है। तो SMTP यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग में देना होगा, smtp.gmail.com, ठीक है, और यहाँ पर पोर्ट नंबर हमें देना होगा 587। और ये आप कोई सा लॉजिक देख लीजिए, लाइन आप जो मैं लिखने वाला हूँ सेम ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद मेन पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो मैसेज वो स्पाम में चला जाता है, जो वहाँ पर रिसीव नहीं होता जहाँ पर होना चाहिए ईमेल को रिसीव, वो इस लाइन की वजह से जाता है, और मैं बोलूँ इस लाइन की वजह से जाता है, तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो और वो आपकी इच्छा अनुसार जो आप चाह रहे थे वो वैसा आउटपुट नहीं आता है, वैसा वो मतलब परफॉर्म नहीं करता, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हर एक डेवलपर को। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दी लाइन, उसके बाद हमें और दो तीन लाइन ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर, server.star.tls, ठीक है, एंड server., अब लॉगिन करते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड से। ठीक है, तो ईमेल यूजर, इसके पास है ईमेल, यानी आपका ईमेल, अगर आप किसी को सेंड करोगे ईमेल, और आपका जो ईमेल यूजर जो ईमेल आया है उसका पासवर्ड, तो ये मैं हाइड कर दूंगा जब मैं इसकी एडिटिंग करूंगा वीडियो की, ये मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया। और एक बात हो, अभी आप यहाँ पर कहोगे ये तो चलो ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दी, अब मेरी आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन होने, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपकी ईमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन होने, जिसको ओटीपी अगर आप कह सकते हो या गूगल ऑथेंटिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी अपने ईमेल में, तभी आप यहाँ पर यूज कर पाओगे जब पाइथन प्रोग्राम के थ्रू ईमेल को कैसे सेंड करें। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ करनी पड़ेगी, और लेस सिक्योरिटी ऐप को आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस जीमेल। ठीक है, अगर आप गूगल पे डालोगे ना लेस सिक्योर ऐप, इस तरह से कुछ डालोगे तो ये देखिए लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं खुली होगी वो खोलिए आप, तो उसके बाद ये खुल जाएगा, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ का ये बटन आएगा इस तरह से, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का। ठीक है, इस आईडी से मैं भेजूंगा, तो अलाउ लेस सिक्योर ऐप ऑन, तो ये ऑन होना चाहिए आपका, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा। अगर आप पहली बार इस चीज़ को करोगे तो आपको ये ऑफ मिलेगा, इस तरह से आपको ये ऑन करना, यानी आप अलाउ कर रहे हो, अपनी सिक्योरिटी को कम कर रहे हो, यानी लेस सिक्योर ऐप। ठीक है, तो ये आप उसी ईमेल पे करें जिस ईमेल पर आपको नॉर्मली काम हो, वैसे ऑफिशियल काम ना हो, या आपका तो कोई चैनल है या कुछ है, तो वहाँ उस ईमेल पर आप ना करें, और अगर करें तो उसको फिर थोड़ी देर बाद ऑफ कर दें। ठीक है, वैसे इससे कोई इतना कोई हैक नहीं करेगा आपकी आईडी, तो इसको ऑन करना है आपको, है ना, यानी आप एलो कर रहे हो लेस सिक्योर ऐप को। उसके बाद एक तो ये करना है लेस सिक्योर ऐप, उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना। ठीक है, मेरे में ऑफ है तो आपको ऑफ करना, नहीं तो वो चलेगा नहीं, एरर आएगी कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। उसके बाद सर्वर डॉट सेंड मेल, ठीक है, सेंड, अब मेल सेंड करेंगे लॉगिन होने के बाद, और मेल क्या करेंगे, कौन कर रहा भी है ईमेल को सेंड, तो ईमेल यूजर करेगा अपने ईमेल से सेंड। किस ईमेल को करना है सेंड, तो ईमेल सेंड को करना, यानी सेंडर का ईमेल सबसे पहले, रिसीवर का ईमेल। ठीक है, और मैसेज क्या है, तो वो है हमारा टेक्स्ट में। अब ये टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट हमने ऊपर बनाया, तो है टेक्स्ट हमने बनाया ऊपर, ये रहा टेक्स्ट, मैसेज डॉट एचटीएमएल। और मैसेज में क्या, मैसेज में सारी चीज़ें, प्रॉम, कौन भेज रहा, किसको भेज रहा, सब्जेक्ट भेज रहा, मैसेज, है ना, वो तो सारी चीज़ आ गई है, तो वो एक कॉमन
कंबाइंड होकर बाइंड होकर मतलब पूरा एक पैकेट बन गया, ऐसे समझिए आप, सारी चीज़ों का कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या मैसेज है, सब चीज़ इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में डिफाइंड है। वो हो सकता है डिक्रिप्शन फॉर्म में स्टोर हो, ये हो सकता है, पॉसिबल है, वो जैसा भी है वो अपनी बैकएंड की वो चीज़ है। बस हमारा काम खत्म, अब जो सर्वर है इसको क्विट कर देंगे, सर्वर डॉट क्विट। तो ये बन के हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया बन के। अब जब ईमेल सेंड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारी कोड कंप्लीट हो गया इस फाइल को, तो अब हम करने के वाले हैं, अब उसको देखते हैं ये मैसेज कहाँ से आया, ये अपने आप आया क्या लिख के, एक मिनट देखने दो मुझे, ये मैसेज ये यहाँ से डिफाइन किया, ठीक है, और ये मैसेज ये है, ये किसने बुलाया इसको, ये तो मैंने इंपोर्ट नहीं किया था, हटाओ, चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ये है इस फाइल का पूरा कोड, ठीक है। अब ये तो सेंड हो जाएगा ईमेल, ठीक है, हो जाएगा, मैं श्योर हूँ पूरा। अब जो ईमेल सेंड हो ना, जैसे यहाँ पर आ रहा है सो एरर, जब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सिस्टम तो एक मैसेज बॉक्स आता है सो एरर, उसी तरह से अगर मैसेज सेंड हो जाता उसके लिए भी मैसेज बॉक्स आए, तो यहाँ पर हम एरर नहीं सो इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ, क्या हम इंफॉर्मेशन देंगे, ईमेल सेंट, ईमेल सेंट, और बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने एरर वाले में लिखा था, योर ईमेल हैज, योर ईमेल हैज सक्सेसफुली सेंट, ठीक है। सेंड और सेंट में फर्क होता है, सेंड यानी आप सेंड कर रहे हो, आप भेज रहे हो, और सेंट मतलब एसएमएस भेज चुके हो, ठीक है। तो ये जब यानी चाहिए जब भेज चुके हो तो सेंट लिखेंगे हम। अब हम कराते हैं इसको रन, और रन कराने से पहले अपने जीमेल अकाउंट भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है, हमारा ईमेल आया है या नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर ईमेल मेरा खुल रहा है gaganagrawal121@gmail.com, ठीक है, जिसको मुझे भेजना है, लेकिन हमने अभी यहाँ पर ईमेल यूजर का ईमेल नहीं लिखा, वो हम लिख लेते हैं पहले, पासवर्ड तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ईमेल यूजर क्या होगा, gaggarwal121, यही है ना, gaganagrawal121@gmail.com, ये वो ईमेल है, इससे जाएगा ईमेल, ठीक है, और ये इसका पासवर्ड नीचे आ रहा, तो ईमेल है ये पासवर्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया काम कंप्लीट, ये हो गया रन, gaggarwal124@gmail.com, ठीक है, ये ईमेल है, सब्जेक्ट में लिखूंगा पाइथन, और मैसेज में लिखूंगा पाइथन इज ईजी, ठीक है, इतना मैंने लिखा, अभी मैं सेंड नहीं करता हूँ, ये देखिए मेरा खुल गया, मैं सेंड करूँगा, ये तो मेरा खुल गया है, अभी देखना मेरा ईमेल आएगा यहाँ पर, अब मैं करता हूँ इसको सेंड, ये कहाँ गया, पाइथन इज ईजी, ये मैंने किया सेंड, और एक अगर सेंड होता है तो मैसेज बॉक्स में आएगा सेंड होने का, जो कि नहीं आया, क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये एरर आई है, एरर आई है जी, क्यों आई है एरर, इतनी सारी एरर आई है, क्या ये जो ईमेल है गलत हो गया यहाँ पर, गगन अग्रवाल है, ठीक है, अब सही है, अब सही है ईमेल, अब कराते हैं इसको रन, तो देखिए गलती हो जाती है, रन हमें कराना है मेन डॉट पी वाई फाइल को, अब डालता हूँ मैं gaggarwal124@gmail.com पाइथन एच ई जी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, सब कुछ सही है, और यहाँ पर भी सब कुछ सही है, अब कराता हूँ मैं इसको सेंड, यार तू क्यों भाग रहा, ये क्यों भाग जाता है, मना करता है क्या, फिर सब्सक्राइबर्स सेंड करता हूँ,
और ये सेंड हो रहा है ना पर इंटरनेट से मेरे, और ये देखिए ईमेल सेंड, योर ईमेल है सक्सेसफुली सेंड। और ये देखिए पीछे हलचल हुई कुछ, और ये हलचल हुई, मेरा ईमेल आया, ओके कर दिया, इसको बंद किया, और ये देखिए सब्सक्राइबर्स मेरा ईमेल आ गया। तो इस तरह से आप ईमेल भेज पाओगे, ये कोड आपको समझ में आएगा पूरा पूरा, बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोड आपको समझ में आया, प्रोग्राम आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट जरूर करें, और कोई प्रोजेक्ट अगर आपको बनवाना हो तो उसका भी कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका प्रोजेक्ट जरूर लाऊंगा। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसका मैं 1 वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।